हे गाइस, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ सत्यम वचन। मुझे पता है लोकेशन चेंज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर यार मेरे को और कोई जगह मिल नहीं रही है बैठने की, क्योंकि बर्फ़ बहुत है। सो अगर आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू इट, और आपको पता लगेगा कि मैंने सत्यम वचन सीरीज़ क्यों शुरू करी है, विच इज़ बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज़। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है जो प्रॉब्लम में होते हैं कि करना क्या है, या अगर डिप्रेशन में होते हैं उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई नहीं समझ सकता। बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इन टू डिप्रेशन फॉर 6 ईयर्स एंड आई हैव केम आउट ऑफ इट ऑन माई ओन, सो आई कैन कम्प्लीटली कनेक्ट टू यू ऑन अ पर्सनल लेवल। सो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, जिसके अंदर मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करूँगा, विच आई होप विल हेल्प यू इन लीडिंग अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ और लिविंग अ वेरी मेंटली हेल्दी लाइफ, राइट? सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट फॉर यू। सो आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। सो अगर आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू इट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? आजकल जो लोग सोशल मीडिया पे फेक करते हैं, और मैं पहले भी एपिसोड्स में बहुत बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है यार लोग ना फेक करते हैं, और जो दूसरे लोग जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जेन्युइनली अपनी लाइफ बहुत मैसी लाइफ से गुजर रहे हैं, उनको लगता है यार बाकी सब तो इतना खुश हैं और बाकी सबको को पता है कि लाइफ में क्या करना है। यार मैं बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता लाइफ में क्या करना है। मतलब कर रहे हैं हम बहुत कुछ, बट हमारी लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है। सो वो मत सोचो यार कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आप पहले सेल्फ अवेयर हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, आप कितने पानी में हो, आपके स्किल सेट क्या हैं, आपको जॉब करनी है, आपको करना क्या, सेल्फ अवेयरनेस, या आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ कितनी, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ सब में बहुत है बट अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर किसी में किसी चीज़ की कैपेबिलिटी है तो ज़रूरी नहीं है ना आप में भी वो हो, आप में जिस चीज़ की कैपेबिलिटी होगी ज़रूरी नहीं है उसके अंदर वो हो। सो प्लीज़ अपने अंदर एक कैपेबिलिटी फाइंड करो, सेल्फ अवेयर हो अपने बारे में कि हाँ मैं मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ या मेंटली कितना वीक हूँ, और अगर मैं फिज़िकली अनहेल्दी हूँ तो मुझे हेल्दी होना है कि नहीं होना। सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ मैं अनहेल्दी हूँ बट आई एम ओके विद इट बिकॉज वो मेरी प्रायरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो दैट्स ओके, ठीक है। आपके वो हेल्दी अभी प्रायरिटी लिस्ट में, अभी आपके प्रायरिटी लिस्ट पे ये है कि आपको काम करना है, और हेल्थ सेकंड प्रायरिटी पे है बट सेकंड प्रायरिटी तक बात ही नहीं पहुंच पा रही, तो दैट्स फाइन। बट अपनी प्रायरिटी लिस्ट सेट करो, हैप्पीनेस का एक ढूंढो कि आप खुशी चीज़ किस चीज़ से मिलती है, और सेल्फ अवेयर हो सबसे पहले तो, और साथ में कि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सब फेक कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेक करना शुरू कर देते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप फेक करना शुरू कर दिया, और आपको वो लगेगा कि अब वो होता है ना, एक झूठ को 100 बार ही बोलोगे तो सच हो जाता है, अंदर ही अंदर आप वो चीज़ बोल रहे हैं हाँ भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप जेन्युइनली कुछ कर सकते हो उस बारे में, बस आप कर अपने अंदर डाल रहे हो क्या कर सकते हो और उसके बारे में कभी कुछ करा ही नहीं, तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ बट मैंने अभी तक किया नहीं है, तो उससे क्या मतलब है, मेरे को पता है ना मैं कर सकता हूँ, दैट्स नॉट हाउ इट गोस। सो सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, एक बार ट्राई करो, नहीं नहीं आपको अपने बारे में पता लगेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर कितना किस चीज़ का टैलेंट है। अपने बारे में यार अपने अपने आप को ढूंढो सबसे पहले, अपने आप को समझो, सेल्फ अवेयर हो अपने बारे में कि यार मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं ऐसा हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, मैं इन प्रिंसिपल्स पर जीऊँगा। मैं सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि हाँ आपको जागरूकता है इस चीज़ की, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अपने बारे में जागरूकता है कि नहीं है, वो आपको अपने अंदर चीज़ें ढूंढनी है। सेल्फ अवेयर हो रहा है अपने बारे में कि हाँ यार मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, ये है मेरी प्रायरिटी लिस्ट, ये है और मुझे ये चीज़ करनी है, वो आपकी प्रायरिटी लिस्ट के अंदर आ जाएगी, वो आपकी खुशी के अंदर आ जाएगी। बचपन में क्या होता है, बचपन में जो बच्चे होते हैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं ना, क्योंकि वो ट्राई करते हैं, उनको समझ आता है ये चीज़ ऐसे है ऐसे है, और अच्छा मैं इस टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पे इस चीज़ को इतना कर सकता हूँ, तो दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस ना। अगर उस स्किल सेट को आपको इम्प्रूव करना है, उस टैलेंट को आपने इम्प्रूव करना है, तो डू हार्ड वर्क, तो उससे इम्प्रूव हो जाएगा, वो इशू नहीं है। पर सेल्फ अवेयर हो गए तभी तो आपको पता लगेगा ना आपको किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है कि नहीं करना। सो वही चीज़ मैं आप लोगों से चाहता हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लो, एंड अगर आपको एनोनिमसली पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और मैं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा, और हम एक मास स्केल पे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे हम एक लोगों का माइंडसेट इंप्रूव कर सकते हैं, आपस में माइंडसेट इंप्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं बहुत प्रो हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और जैसे जैसे मैं वीडियोज़ करूँगा ना
मेरे को भी अपने बारे में सेल्फ अवेयर होगा कि हाँ मेरे कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कि भाई हाँ मैं ये सीरीज़ करना चाहता था और मैं कर रहा हूँ, और मैं कैसे कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सेल्फ अवेयर हो जाओगे कि हाँ मैंने करी है, अच्छी है बुरी है देखी जाएगी यार, करी तो ना, खुशी मिल रही है मुझे करके ये, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। सो वही है कि बड़ी सारी प्रायरिटीज़ हो गई, आपके सेल्फ अवेयरनेस हो गया, आपकी हैप्पीनेस हो गई, ये चीज़ें, और आगे भी बड़ी सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, एक हेल्थी लाइफ लीड करने के लिए और एक मेंटली साउंड लाइफ लीड करने के लिए। हो सकता है कैमरा नीचे हो गया होगा, मेरा हाथ बहुत जम गया, ठंडा बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, हैव अ गुड लाइफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।